गुरुग्राम के नाथपुरा गांव में एक नगर निगम द्वारा की जा रही तोड़फोड़ के विरोध में ग्रामीण एकजुट होना शुरू हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम का बुलडोजर अब उनकी छाती और सीने से होकर गुजरेगा। बता दें कि नगर निगम ने कोर्ट के आदेश पर गांव नाथुपुर में 6.5 एकड़ जमीन पर हुए अवैध कब्जों को छुड़वाने में लगा है। इस जमीन को कब्जा मुक्त करवाने के लिए नगर निगम की टीम इस गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 100 सालों से इस गांव में रह रहे हैं। उनके बाप दादा भी यहीं रहते थे और उनके पास जमीन के सभी कागज भी है। ग्रामीणों के मुताबिक नगर निगम उन्हें देखने तक को तैयार नहीं है। नगर निगम और पुलिस अधिकारी तानाशाही पर उतर आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ वैसे हम पुरखों से रह रहे हैं, हमारे 7-8 पीढ़ी गुजर चुकी है और हमारे पास जो कागज है पुराने वो 50 साल तक के है, पर फिर भी एक केस लगाता नाले के ऊपर PIL रिट पेटिशन डाली गई थी। तो फिर नाला है जो कि पुराना, आपको सारे बड़े बूढ़े यहाँ के सब गवाही दे सकते हैं जो नाला निकलता था वहां से। पर ऐसा क्या हुआ कि नगर निगम यहाँ पे आई, उन्होंने कहा कि हमें 6 एकड़ जमीन तोड़ दी, वो कहीं से भी तोड़ के दिखा सकते हैं। तो नाले की पेटिशन उन्होंने जिन्होंने डाली थी उनको संतुष्टि मिली, उन्होंने रोक दिया। पर फिर भी लेकिन नगर निगम अपनी मनमानी कर रही है। यहाँ पे आई थी और जो कि न्यूज रिपोर्टर आए थे उन्होंने गलत न्यूज छापी है कि ये कब्जे की जमीन है, ये कब्जे की जमीन नहीं है, ये हमारे पंचों ने हमें उस टाइम जिस टाइम दी थी उस टाइम दी थी, उसके चूल्हा टैक्स गैस टैक्स जो होती है उसकी पर्ची हमारे पास, बिजली के बिल है 50 साल तक पुराने सब हमारे पास है। और उन्होंने घर में घुस के पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती सब पे लाठीचार्ज किया, नाबालिगों को मारा है, हमारे घर में पेट्स है उनको मारा है, जेंट्स पुलिसों ने लेडीजों को मारा है। फैसला ये लिया कि भाई एक हो जाओ, एक होने के बाद ही कोई सुनाई करेगा। मंत्री महोदय से मैं रिक्वेस्ट करो मिलो। लेकिन साहब जैसे मैं एक बात पूछता हूँ, जैसे ये गवर्नमेंट यहाँ से कह रही है हटाओ, यहाँ ये गांव वाले, मैं आज का नहीं हूँ, मैं 85 साल का आदमी हूँ, दो जगह से रिटायर हूँ, एयरफोर्स से हरियाणा से। मेरे सामने ये गांव, ये बिल्डिंग खड़ी ना साहब, इससे परे परे था मेरे सामने, और आज इससे दुगना वहां तक पहुंच गया। जब जनता बढ़ेगी, एक आदमी का मैं ही बताऊं, हम अपने बाप के दो ही भाई हम दो बेटे थे बाप के, आज हमारा 28 आदमी हो गए, परिवार तो बढ़ेगा, जमीन तो बढ़ नहीं सकती। इसीलिए ये गांव के भाई बे आ गए तो चलते रहे, जब जमीन रहने को नहीं रहे तो ये कहाँ जाए। रही दूसरी बात, ऐसे कहते हैं कुछ बनाएंगे, अरे तो बनाएंगे क्या, हिसाब से ठीक हिसाब से गाँव वालों से लेके पेमेंट उनकी रजिस्ट्री करवा दो, गलत तो नहीं कह रहा। जो यहाँ के बसने वाले हैं जिन पर रहने को भी नहीं है, उन्हीं की क्यों ना गवर्नमेंट धीमे रेट पे सस्ते रेट पे गरीबों को दे दी जाए और बसा दिए जाए। नो कहेंगे बाहर वाले आओगे, यहाँ कॉलोनियां बनेंगी, ये वो बनेगी, मेरी समझते थे बात बाहर। बता दी कि ये लोग सरकार के सभी मंत्रियों से गुहार लगा चुके हैं, इन्हें आश्वासन भी मिले हैं, तो वहीं निगम की टीम कोर्ट के आदेशों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई में लगी है। ऐसे में ग्रामीणों ने पंचायत का इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करने का फैसला लिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।